अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली ऑल वर्ड्स ऑफ इस्लाम। ऑल वर्ड्स ऑफ इस्लाम का ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है तो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ, लेकिन हजरत तल्हा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से 7 जब शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से निकलकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बगैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर लिया है? तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि मोहम्मद को शहीद किया जाए और मदीना पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं और वो वापस चला गया। तारीफ में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यस, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज़ मुसलमानों ने इससे सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मक्का की फौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। 10,000, पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना लें तो तब हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हो गया। हर 10 सहाबियों को 120 फुट जगह खोदने का टास्क दिया गया। एक मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स से ये करोला गाड़ी है, ठीक है, गुड ओल्ड टोयोटा करोला। इस जैसी 8 और करोला गाड़ियां हों और 5 उनके नीचे हों, इतना और ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स से ये क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है वैसे। ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम्स अगर लाइन में रखे जाएं तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर करोला गाड़ियों में देखा जाए तो इस ट्रेंच में 6,560 करोला गाड़ियां फिट हो सकती थी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम, सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को मैं अभी इस वक्त अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा, ईरान, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियाँ मेरे हाथ में दी गई हैं। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था।
लेकिन ईरान, शाम, यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम और यमन को फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को ख़त्म कर सकते, क्योंकि उनकी फौज पूरे मदीना की आबादी से ज़्यादा थी। दोनों फौजें सामने आईं और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं था। अगर कोई उनके फौज से सामने आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार देते। काफ़ी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इकरमा भी था, लेकिन हज़रत अली ने जाके उनके लीडर को मार दिया और वो सारे वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार रहे हैं, लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेली कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुसा, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते, उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों और बच्चों पर हमला करें तो मुसलमानों को ज़रूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मुआहदे जो मुसलमानों के साथ किए थे तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपने औरतों और बच्चों को बचाए और या मक्का वालों की फौज से इधर लड़ें। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर लें कि हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप्स होती हैं उनका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर। नेक्स्ट डे काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भी तुम कर सकते हो करो, हम